पे सेंटर सेंटर सर थोड़ा यहाँ पे अभिषेक निगम का अभिषेक एंड सिद्धार्थ दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है. यस एंड दे लाइक यंगर ब्रदर्स टू मी. हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हमारा जिम भी सेम है. सो दे ऑलवेज आर लाइक भैया ये किया हमने, भैया वो किया हमने. तो वेरी वेरी स्वीट किड्स एंड आई थिंक दे आर वेरी टैलेंटेड बोथ ऑफ देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड टुडे आई हैव कम फॉर देयर बर्थडे टू गिव देम माय ब्लेसिंग्स. एंड बड़े भाई की जो एक होता है ना, एक हाथ होता है बड़े भाई का वैसा. हाय हाउ आर यू मैम? आइए साथ में, आइए साथ में. खतरों के खिलाड़ी की बात चल रही है. कनिका जी हाय हेलो. ओके क्या कहना चाहोगे? अभिषेक एंड सिद्धार्थ का बर्थडे है एंड मैं बहुत थोड़ी से ज़्यादा सम हाँ एक्चुअली खतरों से पहले मिली थी. सो हाँ कुछ महीनों बाद मिल जाए. वेरी एक्साइटेड टू सी देम बोथ. दे आर डूइंग ग्रेट एंड माय ऑल द बेस्ट विशेस टू देम. एंड अभी बाकी जाके मिलेंगे. Thank you so much.
मैंने संदीप को बोला, मैंने कहा सिर्फ बोल देना सिद्धार्थ और अभिषेक निगम ब्रदर्स बर्थडे है, सब आएंगे। नेक्स्ट टाइम आपका बर्थडे होना चाहिए बड़े धूमधाम से, 50 की हो जाने दो। बिग सेलिब्रेशन। मिशन पीआर आएगा, पूरा प्यार लेकर मैं प्यार नहीं करता हूँ, मैं मस्ती करूँगा। अलग से आता है क्वेश्चन नहीं, सबसे ज्यादा इंटरव्यू होंगे इसके पास मेरे। प्यारे सब सारे हम एक्चुअली ऐसा ही लगता है कि हम तीनों सेम दिखते हैं, बहुत ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे बहुत बार ऐसे, वो भी जब कहीं पे इवेंट वगैरह में जाता है सब लोग कहते हैं उसे कि हाय विशाल आपने मर्दानी में बहुत अच्छा काम किया था। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे भी सिद्धार्थ और अभिषेक के नाम से कभी बुला लेते। हम तीनों काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते हैं और सिद्धार्थ और अभिषेक दोनों की जर्नी ऐसा लगता है हमने सामने से देखी है, बहुत क्लोज है हम लोग, रेगुलरली मिलते नहीं हैं बट फिर भी हम एक दूसरे को जब भी ऐसा कोई मौका होता है हम ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। हम लोग वैसे मैसेजेस पे या इंस्टाग्राम पे या वैसे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, तो आई जस्ट वॉन्ट टू विश के सिद्धार्थ अभिषेक जैसे अब तक अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं वैसे ही करते जाए। उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, आई थिंक सभी लोगों को पता है कि वो कितने टैलेंटेड है और कितना अच्छा काम करते हैं। मुझे पर्सनली बहुत प्राउड होता है कि मैं ऐसे दो भाइयों को जानता हूँ जो इतने टैलेंटेड है और इतने सपोर्टिव है, तो हैप्पी बर्थडे। अच्छा हुआ विशाल से सिद्धार्थ समझ के जंप नहीं लगवा। हाँ होगा भी नहीं मुझसे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि बहुत 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 बधाइयाँ जन्मदिन की सिद्धार्थ और अभिषेक को, बल्कि ये दोनों एक पैकेज हैं, दोनों सेम दिखते हैं सही बोला, और ये तीनों ही सेम दिखते हैं ये भी सही बोला। बट सीरियसली मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जब से काम मैंने स्टार्ट किया तब से हम टच में हैं, काफ़ी एक दूसरे को जानते हैं और इनका काम डेली डे बाई डे ग्रो होता जा रहा है, इनका टैलेंट ग्रो होता जा रहा है। बल्कि अभी सिद्धार्थ को मैंने देखा वो सिंगिंग भी करने लगा, मेरे काम पे लात लगने वाली है अभी सिंगिंग में, क्योंकि सिद्धार्थ आ गया अभी सिंगर एज अ सिंगर, तो मुझे काम मिलना कम हो गया। हाँ वो अलग बात है कि एक्टिंग में पता नहीं, मुझे नहीं पता, सब सामने से बोलते हैं कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, बट मैं ज़्यादा फोकस एक्टिंग पे नहीं करता हूँ, मोस्टली म्यूज़िक सिंगिंग पे ही करता हूँ मैं ज़्यादा फोकस। तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को आगे बढ़ते हुए देख के, सबको आगे बढ़ते हुए देख के, बल्कि सबका काम एक दूसरे को जानते ही सब लोग। स्पेशल गिफ्ट है बहुत क्लोज है सिद्धार्थ अभिषेक हम दोनों से ही, और
काफ़ी सालों से अब एक दूसरे को हम जान रहे हैं और दोनों का बर्थडे साथ में ही है, तो मतलब डबल धमाका है, बहुत खुशी की बात है और दोनों को ही हम हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं इस टाइम आए उनकी सेलिब्रेशन में। एब्सोल्युटली। आप क्या कहते हैं? नहीं यार, आई मीन वी आर द नेबर्स, वी लिव जस्ट अ फ्यू फ्लोर्स ऊपर नीचे, सो इट्स डेफिनेटली द बर्थडे ऑफ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड एंड आई विश बोथ ऑफ देम लॉट्स ऑफ सक्सेस, लॉट्स ऑफ लक, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सुपर हार्ड वर्किंग एंड आई विश देम नन लेस द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आइए आइए मैम, बाइक जी, कैसे हो आप? न्यू गेटअप, न्यू लुक। जी मैं बस आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सिद्धार्थ का बर्थडे, अभिषेक का बर्थडे है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम सब यहाँ गेट टुगेदर करते हैं एक साथ, हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी बर्थडे टू सिद्धार्थ एंड अभिषेक। अनुष्का जी, इसके अलावा एक्चुअली इट्स माई फर्स्ट टाइम हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इन साइड एंड एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि कैसी जगह है। बाहर से एवरीथिंग लुक्स रियली प्रिटी एंड आई एम यू नो एक्साइटेड टू गो इन साइड एंड सी। यस, हमने देखा उधर इंटरव्यूज भी आपने दिए, काफ़ी अमेजिंग इंटरव्यूज। जी, आप कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? मैं ये बताना चाहूँगी कि यू नो दे आर वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वो जैसे हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं और हम उनके कल्चर के बारे में जान रहे हैं, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग यू नो एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंडिया को सही से रिप्रेजेंट करूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड बहुत जल्दी मैं सब अनाउंसमेंट करूँगी। ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू टेल एवरीबडी कि यू नो द प्रोग्रेस इज गोइंग रियली ग्रेट और मैं लैंग्वेज भी सीख रही हूँ एंड द स्क्रिप्ट्स आर आल्सो नाउ बीइंग मेड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आज दो स्पेशल लोगों का बर्थडे है, कितनी खुशी हो जाती है अपने दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करने में? हाँ, दोनों ही मेरे छोटे भाई हैं और जब से सिद्ध और अभिषेक आई थिंक ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए मैं उन लोगों को जानता हूँ और बहुत ही एक प्यारी बॉन्डिंग है उनके साथ, उनकी माओ के साथ, और ऐसे ओकेजन पे थोड़ा सा हैपनिंग सा एक माहौल होता है, मस्ती करने का माहौल होता है, तो आई ऑलवेज लव कि जब भी पार्टी होती है सिद्ध के यहाँ और खासकर उसके बर्थडे पार्टी में बहुत धमाल होता है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। इसके अलावा इस प्लेस के बारे में क्या कहना, लोकल जंक्शन काफ़ी अमेजिंग है ये? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बट आई हर्ड अबाउट इट अलॉट, सो आई एम होपिंग कि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है एंड देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स सी अंदर जाके कैसा माहौल है। शो लकीली बहुत अच्छा चल रहा है, ससुराल सिमर का सीजन जो 2 है लोगों ने बहुत पसंद किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट सीजन बहुत हिट हुआ था और सेकंड सीजन भी अच्छा जा रहा है, सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस कि और भी अच्छा चले। थैंक यू गाइस। और आओ ना, ट्विनिंग मेरे बाल सही लग रहे हैं ना मुझे। हमें पता है सिद्धार्थ अभिषेक अपने काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, दोस्तों का बर्थडे और दोस्तों ने इतनी बड़ी लाइक कैमरा, क्या कहना, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक हम लोग सेम होम टाउन के हैं, एक ही शहर में पले बढ़े हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है कि सबके सपने पूरे हो रहे हैं और हम अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। और कितना टैलेंट है सिद्धार्थ में ये सभी जानते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है वो एंड आई होप वो ऐसी खूब सारी फिल्में करता रहे और उससे अच्छा भगवान से बर्थडे गिफ्ट उससे कोई मिल नहीं सकता। मैं तो सिद्धार्थ को बहुत बचपन से जानती हूँ, जब वो डांस करता था एंड आई वॉज अ कोरियोग्राफर इन इलाहाबाद, सो
बचपन से यहाँ तक का सफ़र, आई एम सुपर सुपर प्राउड ऑफ हिम एंड अभिषेक ऑल्सो, एंड डेफिनेटली उनकी मदर विभा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये लगती है ना कि हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, जब से एक दूसरे के बर्थडेज पे आना ऐसा था कि तब आप सब नहीं थे, आज के डेट में यहाँ पे आके इतनी तादाद में आप सब हो और इतना प्यार उन दोनों को मिलता है, उनका सक्सेस देख के डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। ज़िंदगी में मैं कुछ करूँ या वो कुछ करें, हम सभी हमेशा कॉल पे रहते हैं कि कैसा चल रहा है काम, ये तूने बहुत अच्छा किया, हम अप्रिशिएट करते हैं जहाँ किसी ने गलती की, हम एक दूसरे को समझाते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है, विभा जी भी मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट करती है, तो इट ऑलवेज फील्स गुड। अभी बहुत टाइम बाद मैं बर्थडे अटेंड कर रहा हूँ, 4 साल से मुझे बुला रहे थे तो मैं आ नहीं पा रहा था, इस बार मैं आया। इसके अलावा आपके शो को काफ़ी प्यार मिलता है, आपके जो शॉर्ट वीडियोज हैं सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, आपको काफ़ी प्यार मिलता है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मैं तो ब्लेस्ड हूँ ही, लाइक जेन्युइनली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे श्री कृष्ण का किरदार मिला है, राधा कृष्ण जैसा शो मिला है और ऐसी ऑडियंस मिले हैं, ऐसे एक्टर्स मिले हैं जिनके साथ मैं काम करके ऐसे लोगों के साथ हम सीन्स बना के लोगों तक पहुँचा पाते हैं, और जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका शो जो है वो स्क्रीन पे दिखता है, ये तो बड़ी बात है, उसके साथ लोगों तक पहुंचता है, लोग शेयर करते हैं, जैसे आपसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे जो कोई भी मुझे मिलता है मुझे बोलता है मैं टीवी पे तुझे कम व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि हमेशा आप कहीं ना कहीं उसमें दिख जाते हो। अरे क्या चाहिए? आज यही चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, oh, they are sweethearts. We stay in the same building and that's how I met them, gym में. और बहुत ही humble है, बहुत ही hard working है, और इसलिए मैं बहुत inspire होती हूँ उन दोनों से, because दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि you know इतने मुकाम पर पहुँचने के बाद भी आप इतने grounded हो, so that is something to learn from them. बहुत एक्साइटेड हूँ, ही ऑफ कोर्स गेव मी द न्यूज़ एंड आई वॉज लाइक यू डिजर्व दिस, यू नो यू डिजर्व दिस ब्रेक एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू किल इट, वो अपना 100% देगा और उसकी जो मेहनत है वो बिल्कुल दिल से करेगा और इट्स गोना बी अ सुपर डुपर हिट, दैट्स व्हाट आई होप फॉर। या सो आई हैव बीन टू ग्लोकल जंक्शन बट इन अंधेरी, दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर, but I'm really excited to explore the place. And हमने देखा है social media में आप काफी सारे तस्वीरें videos post करते हो, किस तरह का response मिलता है? अच्छा response है अभी तक बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि you know इतना सारा प्यार जो मुझे लोगों से मिलता है, so I should also give them something in return, and I can only entertain them through my social media and through my show, so that's what I try to do. Thank you so much. बहुत एक्साइटेड है, ऑफ कोर्स फैमिली में नए मेंबर आते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से उनका वेलकम करते हैं, और आई एम श्योर वो बहुत अच्छे से उन्हें जो किरदार दिया गया है वो निभाएंगे, और हम लोग डेफिनेटली बहुत खुश हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, डन, बाय। हाय, सबसे पहले तो उनको विशेज दूंगा कि मैनी मैनी विशेज टू देम, आई जस्ट वांट कि गॉड ब्लेस देम एंड मे गॉड फुलफिल ऑल देयर ड्रीम्स एंड नीड्स, और जैसे बढ़ रहे हैं उससे आगे तरक्की करें हूँ। मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, एंड अभी तो ये स्टार्ट है,
आगे बहुत चीज़ें होनी है एंड ही इज़ जस्ट लाइक अभी तो बहुत कम एज है उसकी एंड जब मैंने अलादीन किया था उसके साथ तो मुझे याद है कि मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था हमने साथ में. इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी एंड अभिषेक ऑल्सो. सो आई एम जस्ट गिविंग हिम लाइक ऑल द बेस्ट टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम. थैंक यू. I'm not. I'm just first time coming here, so obviously I'll go inside and see. Lovely vibe. Okay. Thank you so much. देखो गाना में बहुत सालों से गाना लॉन्ग टाइम लोगों को ये लगता है कि राजीव ने कैसे गाना शुरू कर दिया, पर एक्चुअली बहुत सालों से मैं गाना गा रहा हूँ. भजन ज़्यादा गाता हूँ इनफैक्ट, कि मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा है असमी क्लासिकल, तो मतलब अभी इंस्टाग्राम में थोड़ा कर रहा हूँ. हॉबी है तो अच्छा लगता है करने के लिए. राजीव खबरें ये भी आ रही है कि आपको क्या जानकारी मिली है, थोड़ा दर्शकों को बताइए. मैं पंडित हूँ क्या, मुझे कैसे पता क्या है? देखो होगी तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब सुनने में आए हैं, मुझे पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, पर देखो जब होगी कभी भी होगी वेरी हैप्पी फॉर देम बिकॉज बहुत. आपको ज्यादा पता है मेरे से, मुझे मुझे नहीं पता. मैं क्यों छठे पति लेके बैठे हो कि कब कब शादी होने वाले, मुझे नहीं पता. मैं तो एक्साइटेड हूँ, अभी तक मैं टिका हूँ शो में यार. तो अच्छे वो लग, मैं बुरा हूँ क्या? देखो एक स्टेरियोटाइप मैंने तोड़ दिए कि मतलब जो फिट इंसान है, जो फिट लोग हैं वही लोग आगे बढ़ सकते हैं शो में, मैंने वो स्टेरियोटाइप तोड़ दिया है. ये है पूरा एक माइंड का शो, जो भी नेक्स्ट साल जाएगा मतलब यही सोचे जाना चाहे कि मतलब माइंड स्ट्रांग हो तो आगे जा सकते हो. रोहित शेट्टी के साथ कितना आपका इंटरेक्शन था और क्या? बहुत प्यारा है रोहित शेट्टी सर, बहुत प्यारा है. हमारी बहुत जेलिंग हुई शो में, हमें बहुत खुश हो के इसके साथ मैंने एक बहुत अच्छा शो किया खतरों के खिलाड़ी जैसे, बॉडी बहुत अच्छी. देख रहे सकते हो, आपको करना है क्या? आपको भेजू मैं खुद एक गोलमाल हूँ भाई. मैंने देखो ऑब्वियसली चेहरे मैंने हाँ देखा है, अच्छी बहुत अच्छा है, और इससे बोला कि आज ये सारे रूल्स नहीं है तो बहुत आई थिंक बहुत अच्छा होगा. ठीक है, बिग बॉस में अभी कुछ प्लान नहीं है, बट बुलाएंगे देखूंगा वो टाइम पे. आई लाइक द ट्रेलर लॉट. ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय बाय. और आज दोनों का ही बर्थडे है, सो आई एम गेसिंग इट्स लाइक डबल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्टी फॉर श्योर. आई रियली थिंक इट्स अ वेरी कूल प्लेस. आई मीन it's a blend, it's in a place which is very convenient, it has really good decor, very cool, so I really like the place, it's super cool. Siddharth ke sath maine jitna kaam kiya hai, I really think that he is one person that I always look up to in terms of hard work. Maine dekha hai ki जब हम शो कर रहे थे और लॉकडाउन था, हम बायो बबल में काम कर रहे थे, वी वर शूटिंग इन बड़ोडा फॉर आर शो हीरो गाय मोड ऑन, एंड यू नो व्हेन आई यूज टू वेक अप और मैं ऐसे कर्टन ऐसे करती थी, मैं नीचे देखती थी सिद्धार्थ इज वर्किंग आउट. शाम को शूट के बाद, पैकअप के बाद, आई एम सीइंग ओ गार्डन में अगेन सिद्धार्थ इज वर्किंग आउट. सो ही इज बीन दैट पर्सन हु इज ऑलवेज बीन सो इंस्पायरिंग, बिकॉज वो बहुत ही सीरियस है अपने काम को लेकर और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो दिखता है, लाइक ही इज ऑलवेज ऑलवेज ऑन पॉइंट, ही नोज हिज टारगेट एंड ही रियली वर्क्स हार्ड फॉर इट. आई विश हिम ऑल द सक्सेस, आई विश देम बोथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस. वेलकम.